क्या आप लोगों के भी गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर जब आप लोग कोई भी अपनी यूआरएल को मैन्युअली इंडेक्स करवाना चाहते हैं गूगल के ज़रिए, तो क्या आप लोगों के भी यूआरएल इंस्पेक्शन वाले टूल में ये एरर आ रहा है कि पेज एक्शंस आर टेम्परेरली डिसेबल्ड? सो गाइस, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। अगर तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस एरर को किस तरह सॉल्व करना है और बिना वेब मास्टर टूल के हम लोग किस तरह अपनी साइट्स को इंडेक्स करवा सकते हैं गूगल के अंदर, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक क्लास में ही देखते रहेगा। और हाँ गाइस, वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। चलिए बिना वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं किस तरह हम लोगों ने ये एरर सॉल्व करना है। सो गाइस, जब आप लोग यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर आने के बाद यूआरएल इंस्पेक्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लाइक मैं कोई भी यहाँ पे यूआरएल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस वन। सो गाइस, यहाँ पे ये हम लोगों को शो कराएगा यूआरएल इज़ ऑन गूगल। अगर ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली नहीं हुई तो ये नहीं करवाएगा। सो गाइस, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो चुकी है। बट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाला फीचर जो है इन्होंने फिलहाल के लिए सस्पेंड कर लिया है। सो गाइस, जो अभी के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने उस ट्रिक को फॉलो करना है ताकि आप अपने क्या नाम है वेबसाइट को ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर क्रॉल करवा के इंडेक्स करवा सकें। जैसा कि गूगल ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम लोगों को कुछ बग्स का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के बाद, और जैसा कि आप जानते हैं गूगल एडवर्ड्स के भी अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली लोगों के सस्पेंड हो रहे थे विदाउट एनी रीज़न। सो गाइस, गूगल ने जो है इस पेज को टेम्परेरली डिसेबल किया है बिकॉज गाइस इसमें भी कुछ बग्स आ रहे थे गूगल के सामने। तो गाइस, गूगल की तरफ से है कि उन्होंने 2 या 3 वीक्स के अंदर इस एरर को सॉल्व कर देंगे। सो हम लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को जस्ट गाइस अपने ब्लॉग्स को लिखते रहना है। और गाइस, हम लोगों ने अपने ब्लॉग्स के अंदर लाइक हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल लिखा है जो आप लोगों का गूगल के अंदर पहले से रैंक है, यानी कि आपके सर्व पे आ रहा है या दूसरे या तीसरे पेज पे आपका वो आर्टिकल आ रहा है, तो गाइस आप लोगों ने उसके अंदर इनबाउंड लिंक्स डालनी है। जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल के अंदर इनबाउंड लिंक्स डाली हुई है, यानी कि वो लिंक्स जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ही होती हैं और आप किसी आर्टिकल के अंदर उसको लाइक रीडायरेक्ट कर देते हैं उस आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ। यानी कि गाइस आपकी अपनी ही वेबसाइट के किसी एक पेज से आपके दूसरे अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जो आप लोग अपने ट्रैफिक को भेजते हैं वो होती है इनबाउंडेड लिंक्स। सो गाइस आप लोगों को ये मेथड यूज़ करना है, यानी कि आप लोगों ने वो लिंक्स यूज़ करनी है ताकि गाइस जो पेजेस आपके रैंक है जब आप लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो गूगल के जो रोबोट्स हैं वो इस पेज को दोबारा से क्रॉल करेंगे, तो गाइस वो जो लिंक देखेंगे दूसरी जो लिंक उनको दिखेगी तो गाइस उस लिंक को भी वो क्रॉल करके गूगल के अंदर इंडेक्स करेंगे। एंड हाँ गाइस, जो कि मैंने शुरू में बात की थी कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, गाइस हम लोग के चैनल के ऊपर आज 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड गाइस, अगली वीडियो जो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी। गाइस अगली वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे अपना सेटअप टूर। तो गाइस अगर तो आप सेटअप टूर देखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छे से कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।